गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और या गाइस, आज क्रिसमस होते हैं तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से जो जो लेडीज़ वर्त रखती है क्रिसमस को, तो उनके लिए हैप्पी क्रिसमस हो, सभी के बाद अच्छे कटे। और या गाइस, आज के ब्लॉग में क्या क्या खास होगा वो तो आपको देखने में पता चलेगा। गाइस, कल का ब्लॉग बिल्कुल यूज़ कम है, प्लीज़ गाइस देखिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ देखिए, शॉर्ट्स देखिए, ब्लॉग देखिए, रील्स देखिए। और यार गाइस, पूरा देखिए तब पूरा चल जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में जी हूँ, मैंने चाय और साथ में थोड़ी सी पीनी, और मैंने यहाँ कड़ा भुजा दिया और इसके अंदर ही ऐड कर लिए। तो आप भी ज्वाइन कीजिए ये फूड, और प्रसाद भी ग्रैंड कीजिए और फूड भी। तो खाने को मिलती है कहीं भी जाएगा, मेरे बाबू बहुत कुछ खास। अब लंच टाइम हो गया, लंच में आपको दिखाते हैं हम क्या लेते हैं। क्योंकि आज लंच में है आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठी के साथ में थोड़ा सा दही। आपको पता है ये भी सगन होता है आलू गोभी, तो ये सोए बनती है, तो हम वही ले रहे हैं खाने में। तो लेकिन गाइस, मम्मा ने तो कर लिया जो सगन का होता है, लेकिन तो हम दिन में आज भी यही है, और रात के लिए मेरी सगन की दाल होती है, वो आपको बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी तो डिनर में। तो अब ये भी ज्वाइन कीजिए, खाने में मिलते हैं कहीं मिलेगा, मेरे बाबू बहुत मुझे पास। चाय टाइम हो गया यानी टी टाइम, तो टी में मैं क्या ले रही हूँ आपको दिखाती हूँ। इस दौर में चाय में थोड़ी सी ये नूडल्स और साथ में ये वाली मट्टी डेरी आपको मैंने करवा जब मट्टी होती है, तो पूजा तो हो चुकी है, तो मैं सोची हूँ कि अब ये खा लेती हूँ। क्योंकि मम्मा नहीं करना होता तो पूजा तो हम तो खा ही सकते हैं, मेरी बहनों में खा रहे हैं। तो अब जो कीजिए खाने में मिलती है, मुझे अपने लोग भी बहुत कुछ पास। आज मैंने ना मंगाया है ऑनलाइन पे चाय पत्ती और साथ में शुगर, तो हमको दिखाती हूँ। तो मैंने सिटी मॉल से मंगाया है, तो बताती हूँ कौन सी कंपनी की। गाय जी अजूरी की प्रीमियम टी, आप देख सकते हैं ये अच्छी होती है, टेस्टी होती है, स्वाद का टेस्टी होता है, तो आप भी मंगा सकते हैं। और ये शुगर है, आप देख ही सकते हैं, तो आप भी मंगा सकते हैं। तो मैंने भी मंगाया है, मैं आपको देख लेती हूँ, शेयर कर देती हूँ। और आपकी मैंने आप ये मतलब टी तो ये यूज़ करी हुई है, अंसारी की है, ये अंसारी कंपनी की, तो ये अच्छी होती है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका डेस्ट वगैरह पी के देख सकते हैं, फिर आपको भी अच्छी लगेगी आई एम श्योर। तो मैं सोचा कि आपको भी बता दूँ। तो यहाँ गाइस, आज ना ऐसे लग रहा है करवा चौथ नहीं, ऐसे दिवाली होती है। यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ओह गॉड, मान ही नहीं रहे, पटाखे इतने जला रहे, इतने जला रहे थे, आज ही दिवाली होती है इनकी। होता ही है बच्चों को अभी से ही होता कि आए हम जला रहे फटाफट पटाखों में, तो बच्चे इतने शौकीन होते उसी में, तो पता ही होगा। तो मेरे गाइस वही शोर हो रहा था, तो इसी शोर में देख, ओह गाइस, पूरा हो ही हुआ था, अली छोड़ दिए उन्होंने पटाखे। तो वही कह रही थी कि आगे भी कुछ खास है, वो आपको बताती बात नहीं। गाइस, आपसे एक खास बात लेके आई हूँ, आज एक करवा चौथ को पता ही होगा। तो या गाइस, एक दिन क्या हुआ, इसको करवा चौथ पे 2 साल पहले की बात है, तो इसने क्या करा, मैंने कहा आज तू करवा चौथ पे क्या खाएगा, पहले तो कोई जवाब नहीं आया, फिर इतने देर पर आया तो महाराज का जवाब आया कि मैं मैगी खाऊंगा। वाह, ये मैगी खाते हैं। तो मैंने कहा जो हमने घर में दाल बनाई है उसे कौन खाएगा, क्या तू खाता नहीं है दाल? तो नहीं, मैं तो मैगी खाता हूँ, तभी मैगी जैसा ही है एकदम सुकड़ू सुकड़ू बाबू। तो गाइस, ये तो अजीब ही है एकदम, मैं क्या ही बनाऊँ। तो मैं यही कहने वाली थी, इसके बारे में जितना कहूँ उतना ही थोड़ा है। तो एक तो इसको टाइम नहीं होता, इसको भी टाइम नहीं होता, वाओ।
टैडी ही ना, कुछ तो बोलो टैडी, बेचारा गूंगा हो गया है। तो यही कहने वाली थी कि ये मैगी खाएगा, इसको मुझे मैगी पसंद है, मुझे मैगी खाना है, मैगी की तरह से कुछ और सोचता ही नहीं है। तो मैं इसमें ये कहने वाली थी, इसकी बात तो हो गई। आपको ये बताने वाली थी कि मैं नेल पेंट अब तक नहीं लगाएगा, ये तो यह दिवाली आने वाली है तो मैं कलर चूज़ करूँगी, तो आपको जरूर दिखाऊँगी। और या गाइस, आपको मैं एक और बात कहने वाली है कि करवा चौथ के बारे में लोग आज के दिन ना एकदम फैंसी कॉम्पिटिशन की तरह रखते हैं मुझे, ऐसे सब लोग दिखाते हैं कि आई हमने साड़ी अच्छी पहनी है, हमने ये अच्छा पहना है, ऐसे कहते ना कि मेरी बहन जी एकदम करीना की तरह है, साड़ी करीना की तरह है, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो एकदम शौक पड़ते हैं। तो कहे तो क्या ही कह सकते हैं, मुझे तो ये करवा चौथ समय आज मैं खा रही हूँ इवनिंग स्नैक्स में ब्रेड सैंडविच और साथ में इमली की चटनी जो फैल गई है। तो बस गाइस आप मुझे उन कीजिए खाने के लिए, कहीं भी जाएगी उन्हें मांगूँ बहुत कुछ है खास। किचन में आ चुकी हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ, डिनर में क्या बनना है आपको बताती हूँ, क्या बना रही हूँ। मैंने ना अभी दाल चढ़ा दी और पानी में से हिला रही हूँ और फिर से ढक के बना लूँगी। तो ये सारे काम करने के लिए मिलती है उससे, कहीं भी जाएगा उन्हें मांगूँ बहुत कुछ है खास। सोच रहे होंगे कि दाल बने या गाइस दाल की बात कर रही हूँ, तो मैंने पहले भूल गई थी आपको दिखाना, तो मैं सारे काम मेरे सारा कुछ डाल दिया, अभी याद आई हाँ आपको दिखाने की ट्रिप के अंदर। तो पहले प्याज काटती है कि फिर लहसुन वगैरह, तो वो सब उनके चक्करों में फिर भूल ही गई, फिर याद आया मेरे काम उनके क्लिप में शेयर करनी है, तो फिर डाल के भी रख के भी याद आया, फिर फटोट आ गई सोच रही होगी। तो मैं आपको यही बताने वाली थी बस, तो मैं जो आप बना के आ गई हूँ तो आपसे बात कर लेती हूँ, यही आपको बताएगी कि आजकल की लेडीज क्या कर रही है, करती है किसकी साड़ी किससे अच्छी है, किसकी ज्वेलरी कितनी अच्छी, किसके बैंगल्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये गई थी ना नीचे तो इसको ज़रा बना है। और फोटो सेशन तो इतना करती है ना, ये इंचे बैलेंस दुनिया में है ही नहीं। हाँ अभी भी शादी हो गई और फिर गई, ये कुछ ही लोग करते हैं अब वर्त जाए, सारे लोग नहीं करते, जैसे 100 में से 50 या 60 लोग ही करते हैं, 40 लोग तो करते ही नहीं है, क्योंकि तो उनको अपने बाबा जी गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा जी पर भरोसा होता है, बाकी दुनिया तो बस ऐव ही है। हाँ मानते हैं गणेश भगवान जी और करवा माँ की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूजा, लेकिन जो सजने धजने की बातें होती है ना, ये सब नकेल होती है, पति 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 नहीं, पति पति भी नहीं, वो भी कोई नहीं होते, बस भगवान ने विश्वास रखना चाहिए। आपको तो मजा ही है, आपको कुछ कह रहे हैं गाइस, इसकी दवाई ले ली हमने तो हम चलते हैं। गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि ये किचन में क्यों खाई है, गाइस मैं दाल बना रही थी तो इसको मन कर रहा था कि ना मैं राइस बनाती हूँ, तो देखते गाइस ये राइस कैसे बनाती है, अच्छी है बेकार, तो उसी में लगी हुई थी, आप सोच रहे होंगे कि किचन ने पीछे आपसे कम बात कर रही है। तो गाइस आगे के लिए बन रहे और आपको जरूर बताऊँगी आगे क्या क्या हो रहा है। देखते हैं चाँद निकल रही है तो बस हम जाएंगे ऊपर, तो आपको मिलते हैं। पूजा करी, चांद आ चुका है, नहीं उसने राज मिलाए और दाल मैंने बनी है और बल्ले पापड़ी मंगवाए गए हैं, तो अब जब किसी रेसिपी में कड़ी मिलते डैडी ने उसकी राइस की तरीब कर रहे कि उसकी बहन ने बनाया, तो वह राइस अब जब मुझे खाने को मिलती है तो मुझे अब मैं ब्लॉग का एंड करने को आगे आज सुविधा रहेगा वक्त, लेकिन मन तो कर नहीं जा रहा है कि जाना तो वक्त है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे नई एनर्जी नई ब्लॉग के साथ, तब तक पुराने ब्लॉग देखिए आने ब्लॉग जरूर भी देखिएगा। और यहाँ गाइस सारे ब्लॉग को कुछ कहा से प्लीज़ गाइस में सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करें कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, मेरे शॉर्ट्स को देखिए रील्स को देखिए,
ब्लॉग्स को देखिए और इंस्टा मेरे नाम इंद्रदीप कौर रिसर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। आप कुछ कुछ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और याद आए आज सभी का जो पास का जीवन है वो बहुत अच्छा दिखता हो। और या गाइस, तो इसी तरह का एंड है। बाय, गुड नाइट।